हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ ओट्स उपमा की रेसिपी। पहले हम एक कटोरी ओट्स को भून लेंगे, क्रिस्प होने तक भून लेना है। अब एक पैन में हम एक टेबल स्पून घी गरम करेंगे। में हम आधा कटोरी चॉप्ड अनियन डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। एक कटोरी कटे हुए टमाटर डाल देंगे। सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मिर्च हल्दी भी डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। में डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। इसमें बॉइल्ड मटर डाल देंगे। आप अपने पसंद की कोई भी हरी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। इसे हम ढक देते हैं जब तक कि इसमें बॉईल ना जाए।
अब हम इसमें भुने हुए ओट्स को डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। पूरा पानी सोक हो चुका है और ओट्स भी अच्छी तरह से पक चुका है। सूखे हुए बचे पानी को भी हम सुखा लेंगे। इसमें नींबू का रस मिला देंगे। गैस को बंद कर देंगे। वेजिटेबल ओट्स उपमा बनकर तैयार है।